नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हर किसी की चाह होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में पैसा ही पैसा कमाए। इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं है कि आपके अमीर बनने का सपना सदैव सपना ही बना रहेगा। हम इसलिए कह रहे हैं कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप भी अमीर बन सकते हैं। आपको सिर्फ अपने मेन गेट पर हमारी बताई हुई चीज़ों में से किसी एक चीज़ को लगाना है। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है और जीवन में धन का प्रवाह बढ़ाने में यह उपाय बहुत बड़ा मददगार साबित होता है। तो दोस्तों, जानते हैं वो उपाय कौन से हैं। पहला है दरवाजे पर लगाए गणपति। दोस्तों, आप अपने मुख्य द्वार पर विघ्नकर्ता, मंगलकर्ता, भगवान श्री गणेश, जिन्हें गणपति के नाम से भी जाना जाता है, इनकी फ़ोटो अवश्य लगाएं। इसके लिए बताया गया है कि चौखट के ऊपर गणपति जी की दो फ़ोटो लगानी चाहिए, जैसे टाइल आदि में लोग लगाते हैं। लेकिन यह फ़ोटो ऐसे लगवाएं कि एक घर के अंदर और दूसरी घर के बाहर हो और उनकी पीठ जुड़ी हुई हो। ऐसा करने पर कभी भी धन की कमी नहीं होती और ना ही किसी तरह की बाधाएं आती हैं। दूसरा है सूर्य देव की करें पूजा। कहा गया है कि जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए सूर्य देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सूर्य देवता की पूजा के लिए सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर सूर्य देव की तांबे की बनी प्रतिमा लगाएं। ऐसा करने से घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है और धन में भी कभी कमी नहीं आती और कई तरह के दोष दूर होते। तीसरा है शम्मी का पौधा लगाएं। कहा गया है कि व्यक्ति को जीवन में शनि देव की कृपा पाना अवश्य है। शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर शम्मी का पौधा लगाकर रखें। ऐसा करने से जीवन में बुरा वक्त चला जाता है, बाधाएं दूर हो जाती हैं और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। जिस पर भी शनि देव कृपा कर दे, उसे फर्श से अर्श तक पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगता। चौथा है दीपक जलाएं। दोस्तों, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन शाम को गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आगमन घर में होता है और जिस घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाए उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, ये है वो उपाय। इन उपायों में से अगर आप एक भी उपाय अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।